हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज जो हमारे पास ब्लूटूथ स्पीकर है उसका मॉडल नंबर है KT125। तो गाइस, ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये TG113 का एक अपग्रेड वर्जन है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया गया है और काफ़ी सारे फीचर्स को बढ़ाया गया है। तो आज हम इस ब्लूटूथ स्पीकर की अनबॉक्सिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि ये जो KT125 ब्लूटूथ स्पीकर है ये कैसा है, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, इसका बैटरी बैकअप कैसा है और ये ब्लूटूथ स्पीकर आपको किस प्राइस में मिल जाता है। तो गाइस, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, तो आप वीडियो में पूरा बने रहिए। बट इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पर ऐसे ही अनबॉक्सिंग और टेक वीडियो आपको मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखिए, ये आ जाता है हमारा ब्लूटूथ स्पीकर। यहाँ पर वायरलेस स्पीकर लिखा गया है और स्पीकर की एक झलक गाइज यहाँ पर आपको मिल जाती है। इस साइड की बात करें तो KT125 यहाँ पर लिखा गया है इसका मॉडल नंबर। और इस साइड की बात करें तो ये आईपॉड, आईफोन और हर फोन से आपके कनेक्ट हो सकता है, जिस डिवाइस के अंदर ब्लूटूथ हो उससे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, इस साइड की बात करें तो यहाँ पर वायरलेस आपको लिखा मिल जाता है। प्ले टाइम लगभग 3 से 4 आवर्स तक का आपको दे देता है और USB से भी आप इसे चला सकते हैं। और इसके अंदर ही इनबिल्ट आपको माइक मिल जाता है कि अगर आपका फ़ोन अपने डिवाइस से कनेक्ट है तो आप इसी स्पीकर के थ्रू बात भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको इनबिल्ट माइक भी मिल जाता है। और इस साइड की बात करें तो यहाँ पर देखिए 6 कलर ऑप्शन में मिल जाता है आपको। फिलहाल हमारे पास जो इसका कलर है वो ब्लैक है, बाकी आप काफ़ी सारे कलर ऑप्शन में आपको ये मिल जाता है। तो चलिए एक बार बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। गाइज देखिए, बॉक्स अनबॉक्स करते ही एक चार्जिंग केबल आपको यहाँ पर मिल जाती है। काफ़ी नॉर्मल सी चार्जिंग केबल है, आप देख सकते हैं USB A2 micro USB केबल दी गई है आपको। ये केबल भी हम साइड में रख देते हैं और बात कर लेते हैं अपनी मेन ब्लूटूथ स्पीकर की। तो गाइज देखिए, ये आ जाता है हमारा मेन ब्लूटूथ स्पीकर। और ब्लूटूथ स्पीकर की जहाँ तक हम बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग की बात करें तो गाइज इसकी बिल्ड और फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया है। और ये भी नहीं है कि लाइट वेट हो, काफ़ी हैवी फील हो रहा है हाथ में भी ये। तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पर आपको 2 स्पीकर मिल जाते हैं, जैसे TG113 में 2 स्पीकर दिए गए हैं, कुछ इसी तरीके के यहाँ पर भी 2 स्पीकर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर बूस की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। पीछे की बात करें तो पीछे एक बूफर आपको मिल जाता है यहाँ पर। और नीचे की बात करें तो यहाँ पर एक कुशन टाइप का मटेरियल यूज़ किया गया है, जिससे ये स्पीकर कहीं भी रख दीजिए तो ये हिलता जुलता है, गिरता बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज देखिए, इस साइड की बात करें तो यहाँ पर इसके सारे कीज़ आपको मिल जाते हैं। पावर ऑन ऑफ का एक स्विच मिल जाता है आपको और एक मोड का स्विच मिल जाता है, जिससे आप इसे FM मोड या ऑक्स मोड किसी भी मोड पर ले जा सकते हैं। और ये जो स्विच है इससे आप सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और इसी स्विच से आप अपनी कॉल भी रिसीव कर सकते हैं। और ये जो दो स्विच हैं गाइज, इससे आप वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस कर सकते हैं और इन्हीं स्विच से आप नेक्स्ट भी और प्रीव्यू भी कर सकते हैं अपने सॉन्ग्स को। और जो दो इसके अंदर फीचर्स को बढ़ाया गया है गाइज, वो ये है, जैसे ही आप इस लिड को उठाते हैं यहाँ पर देखिए आप कुछ इस तरीके का, ये एक हैंगर टाइप भी बन गया है। इसे आप ले जाना चाहते हैं तो एक हैंगर की तरह भी ले जा सकते हैं। और उसके बाद जो इसका मेन यूज़ है, आप इसे मोबाइल स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपका मोबाइल यहाँ पर लग जाता है और उसके बाद आप अपना जो भी कंटेंट है वो इस पर लगा करके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपना। काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है ये। और गाइज अगर हम पीछे की बात करें तो पीछे भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए, आप अपनी USB डायरेक्टली यहाँ पर लगा सकते हैं, USB पेन ड्राइव, और अगर आपके पास मेमोरी कार्ड है तो वो भी आप डायरेक्टली लगाकर यहाँ पर सॉन्ग सुन सकते हैं। micro USB जैक आपको मिल जाता है और एक LED नोटिफिकेशन लाइट भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो गाइज चलिए ब्लूटूथ स्पीकर को ऑन कर लेते हैं और देखते हैं। देखिए गाइज, ये ब्लूटूथ स्पीकर हमारा ऑन हो चुका है और इसके अंदर आपको यहाँ पर RGB लाइट भी मिल जाती है, जो देखने में काफ़ी बढ़िया और इसे काफ़ी प्रीमियम लुक देती है। तो गाइज मैं इसे अपने फ़ोन से एक बार कनेक्ट करके आपको साउंड सुनाने की कोशिश करता हूँ इसकी। तो गाइज जैसे ही आपको ब्लूटूथ सेटिंग में जाना है, ब्लूटूथ जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर KT125 आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो KT125 हम सर्च कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए KT125 यहाँ पर हमारा आ गया है, इसे हम ये देखिए ब्लूटूथ स्पीकर हमारा डायरेक्टली कनेक्ट हो गया है हमारे फ़ोन से। तो हमने इसके अंदर सॉन्ग्स प्ले कर दिया है, आप देख सकते हैं। Thank you.
गाइज जहाँ तक हम बात करें इस ब्लूटूथ स्पीकर के साउंड की, तो गाइज इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी लाउड इसकी साउंड है और जो बेस है इसकी गाइज वो भी काफ़ी बढ़िया है। जैसे आपको TG-113 में साउंड मिल जाती है, कुछ इसी प्रकार की जो बेस है और साउंड है वो इस ब्लूटूथ स्पीकर में भी आपको मिल जाती है। लेकिन ये लुक वाइज TG-113 से काफ़ी बढ़िया लगता है। एक तो ये RGB लाइट जो है ये इसके लुक को जो और ज़्यादा बढ़िया बना देती है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और जो इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया गया है कि आप इसे मोबाइल स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन जो है काफ़ी बढ़िया है, जिससे ये आपके ब्लूटूथ स्पीकर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। तो गाइज अगर हम बात करें इसके बैटरी बैकअप की, तो ये ब्लूटूथ स्पीकर आपको 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप बहुत आसानी से दे देता है। मैंने इसे 2-3 दिन यूज़ करा तो मुझे इतना ही बैटरी बैकअप इसके अंदर मिला। और गाइज वहीं अगर हम बात करें इस ब्लूटूथ स्पीकर के प्राइस की, तो ये ब्लूटूथ स्पीकर आपको 400 से 500 रुपये के बीच में ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप इसे ऑफलाइन बाय कर सकते हैं तो हो सकता है थोड़ा आपको सस्ता पड़ जाए, लेकिन ऑनलाइन जो है ये आपको 400 से 500 रुपये के बीच में अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो गाइज हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।